बहुत सारे केसेस के अंदर हमारे लिए इमीडिएट लोडिंग काफ़ी ज़रूरी हो जाती है जैसे फुल माउथ इम्प्लांट केस के अंदर या कोई मिसिंग मैगजनर सेंट्रल इंसाइजर तो हमें इमीडिएट लोडिंग के लिए हमें अपने ट्रीटमेंट प्लान इम्प्लांट सिलेक्शन सर्जिकल प्रोटोकॉल्स काफ़ी सारे चेंजेस करने पड़ते हैं ताकि हमारा जो इम्प्लान ट्रीटमेंट है वो सक्सेसफुल हो सके और टाइम के साथ इम्प्लांटोलॉजी की साइंस भी डेवलप कर चुकी है और आज की तारीख के अंदर इमीडिएट लोडिंग भी काफ़ी सक्सेसफुल है जैसे हमारी कन्वेंशनल लोडिंग है हेलो मैं जी डेंटल से डॉक्टर रोहित शर्मा आज के इस वीडियो के अंदर हम इमीडिएट लोडिंग के फ़ायदे नुकसान इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन और उसके लिए ज़रूरी फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे आगे बढ़ने से पहले आपको ये बातें पता होनी चाहिए जैसे ओशियो इंटीग्रेशन क्या है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेबिलिटी क्या है हम प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेबिलिटी को कैसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं अगर इस तरह की, की नॉलेज आपके पास नहीं है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप हमारी पुरानी वीडियोस को देखें इन सब का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है तो चलिए आज के इस टॉपिक के अंदर जंप करते हैं इमीडिएट लोडिंग की इंडिकेशंस क्या हैं गुड बोन क्वालिटी जैसे टाइप डी वन एंड डी टू बोन सफिशियंट बोन हाइट मिनिमम बारह एम की बोन हाइट होनी चाहिए ताकि दस एम mm का इम्प्लांट हम प्लेस कर सकें और मिनिमम सिक्स एम की बोन विथ भी होनी चाहिए ताकि हम मिनिमम फोर एम का इम्प्लांट प्लेस कर सकें और अगर फुल माउथ केस है तो हमारे पास गुड एपी स्प्रेड भी होना चाहिए ताकि हम कैंटिलीवर दे सकें अब देखते हैं हमें किन किन केसेस में इमीडिएट लोडिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जैसे पेशेंट को कोई सिस्टमिक बीमारी हो या पेशेंट को कोई सीवियर पैराफंक्शनल हैबिट हो अगर पेशेंट की बोन क्वालिटी भी पुअर है जैसे टाइप डी फोर तो भी इस केस के अंदर हमें इमीडिएट लोडिंग नहीं करनी चाहिए या पेशेंट का बोन वॉल्यूम कम है जैसे हाइट दस एम से कम है और विर्थ छः एम से कम है अगर किसी पेशेंट का बोन वॉल्यूम कम है और हमने बोन को ऑगमेंट किया है तो उस केसेस के अंदर भी हमें इमीडिएट लोडिंग से बचना चाहिए और इम्प्लांट प्लेस करते वक्त अगर हमारे पास प्राइमरी स्टेबिलिटी अचीव नहीं हुई है तो भी हमें इमीडिएट लोडिंग नहीं करनी चाहिए और अगर आप फुल माउथ केस कर रहे हैं और आपने ए स्प्रेड अचीव नहीं कर पाए हो तो भी हमें इमीडिएट लोडिंग से बचना चाहिए इमीडिएट लोडिंग कुछ और बातों पर डिपेंड करती है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए जैसे जैसे इन फैक्टर्स को चार कैटेगरी में डिवाइड करा जा सकता है पहला सर्जरी रिलेटेड फैक्टर इसमें आता है प्राइमरी इम्प्लांट स्टेबिलिटी और दूसरा सर्जिकल टेक्निक प्राइमरी इम्प्लांट स्टेबिलिटी हम वेरियस टेक्निक से प्राइमरी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं जैसे इम्प्लांट थ्रेड के डिज़ाइन को चूज करके इम्प्लांट डिजाइन को चूज करके और बायोकार्टिकल इंकरेज लेकर सेकंड है सर्जिकल टेक्निक सर्जिकल टेक्निक को मॉडिफाई करके भी हम प्राइमरी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं जैसे अंडर प्रिपेयर करके या फिर डेंसिफिकेशन से इन सब की बात हम अपनी पुरानी वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है सेकेंड है होस्ट रिलेटेड फैक्टर पहला है बोन क्वालिटी एंड क्वान्टिटी टाइप डी वन एंड डी की गुड वॉल्यूम बोन में इमीडिएट लोडिंग बेस्ट होती है फिर है और ओशो इंटीग्रेशन या सेकेंडरी स्टेबिलिटी। हम ये चाहते हैं कि सेकेंडरी स्टेबिलिटी को फास्ट करा जा सके ताकि प्राइमरी स्टेबिलिटी खत्म होने से पहले ही सेकेंडरी स्टेबिलिटी डेवलप हो जाए इसलिए इम्प्लांट सरफेस को रफ और सरफेस पर ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि बोन फॉर्मेशन काफ़ी फास्ट हो सके थर्ड फैक्टर है इम्प्लांट रिलेटेड फैक्टर इस फैक्टर में आते हैं जैसे इम्प्लांट डिज़ाइन कॉन्फ़िगरेशन क्या है इम्प्लांट सरफेस की कोटिंग किस चीज़ से करी गई है ये दोनों पॉइंट ओवरलैपिंग है एंड इनका काम प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना ही है फिर है नंबर ऑफ इम्प्लान्ट जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इम्प्लांट होंगे उतने ज़्यादा हमारी प्रोसेस स्टेबल होगी इम्प्लांट लेंथ एंड डायमीटर हमें मैक्सिमम सरफेस एरिया चाहिए ताकि BIC को इंक्रीज करा जा सके इसलिए हमारी पहली कोशिश होती है कि इम्प्लांट को मैक्सिमम विथ पे डाला जा सके और लॉन्गेस्ट इम्प्लांट प्लेस किया जा सके फिर इम्प्लांट पोजिशन इम्प्लांट अगर ऐसी जगह है जहाँ फोर्सेज ज़्यादा हैं तो अवॉइड करना चाहिए जैसे सिंगल डिस्टल मैंडिबुलर इम्प्लान्ट अगर मान लीजिए मैंडिबल में विजडम टूथ अवेलेबल नहीं है और सेवन को आप इम्प्लांट से रिप्लेस कर रहे हैं तो इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोर्सेस होंगी और ऐसे केसेस के अंदर आपको इमीडिएट लोडिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए फोर्थ फैक्टर है ऑक्लूजन रिलेटेड फैक्टर ऑक्लूजन रिलेटेड फैक्टर कुछ इस तरीके के हो सकते हैं जैसे क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ फोर्स फंक्शनल फोर्सेस को कंट्रोल करना हमारा इमीडिएट लोडिंग का की इंग्रेडिएंट है अर्ली एंड इमीडिएट लोडिंग में ज़्यादा क्रेस्टल बोन लॉस देखा गया है इसलिए हमें फोर्सेस मिनिमम ही रखनी है जैसा कि आप जानते हैं वर्टिकल फोर्सेस कम नुकसान पहुंचाती हैं ओब्लिक या हॉरिजेंटल फोर्सेस बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है इसलिए हमें ओब्लिक और हॉरीजेंटल फोर्सेस को मिनिमाइज करना है अगर पेशेंट को पैराफंक्शनल हैबिट है जैसे ब्रक्सीजम जो ऑक्लूजन पर ओवरलोड डालता है तो ऐसे केसेस में इमीडिएट लोडिंग बिल्कुल कॉन्ट्राइंडेटेड है नेक्स्ट फैक्टर है प्रोस्थेटिक डिज़ाइन प्राइमरी स्टेबिलिटी कैन बी इन्हांस्ड व्हेन क्रॉस आर्च इम्प्लांट स्प्लिंटिंग इज डन और इजीली इमीडिएट डेंचर जो ऑल ऑन फोर के ऊपर हम देते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं जब हम इमीडिएट लोडिंग करके टेम्प्ररी प्रोस्थेसिस देते हैं तो टेम्प्ररी प्रोस्थेसिस भी स्ट्रोंग होनी चाहिए ताकि जब तक फाइनल प्रोस्थेसिस ना लगे वो टूटनी नहीं चाहिए अगर वो टूट जाती है तो वह आपका इम्प्लांट फेलियर को लीड कर सकती है क्योंकि एक बार प्रोसेसिस टूट जाएगी तो इम्प्लांट्स आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन टेम्प्रेरी प्रोस्थेसिस को हीलिंग पीरियड में रिमूव भी नहीं करना चाहिए और टेम्प्रेरी प्रोस्ेसिस जब आप दे रहे हो तो उसके अंदर कैंटिलीवर मत दो जब आप इमीडिएट लोडिंग कर रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप केस की केयरफुल एनालिसिस करो पेशेंट की पैराफंक्शनल हैबिट्स चेक करो ऑक्लूजन एनालिसिस करो रिमेनिंग टीथ भी चेक करो कि उसका कैसा ऑक्लूजन है एंड लास्ट के अंदर आप बोन वॉल्यूम और बोन क्वालिटी भी चेक करो ताकि आप हर तरीके की अननेसेसरी फोर्सेस को मिनिमाइज कर सको और ये सब कैलकुलेट करने के बाद ही आपको इमीडिएट लोडिंग का डिसीजन लेना चाहिए अगर आप भी अपनी इम्प्लांट प्रैक्टिस के अंदर इमीडिएट लोडिंग जैसे केसेस करना चाहते हो जैसे फोर हो गया मैगजलरी एंटीरियर इम्प्लांट हो गए और आपको उन चीज़ों पर अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो आज ही आप जी डी से कांटेक्ट करें हम लोग आपकी मदद जरूर करेंगे आज के वीडियो के अंदर बस दोस्तों इतना ही अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कैंटीलिवर्स की थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर वाचिंग अदर यूजफुल वीडियोस। थैंक यू